नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। पुणे में नवरात्रि के दौरान सेक्स तंत्र को लेकर बवाल मच गया है। पुणे पुलिस ने सोशल मीडिया पर विवादित विज्ञापन शेयर करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस साल विजयादशमी कार्यक्रम में किसी महिला को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। ऐसा संघ के 92 साल के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। वही महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने बताया कि सरकार राज्य के सभी स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए होमवर्क खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। तो उधर मुंबई के मलाड स्थित एक स्कूल की लिफ्ट में फंसने से 26 वर्षीय टीचर की मौत हो गई। इसी बीच ठाणे जिले के डोंबिवली में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड की मदद से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। प्रदेश की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पुणे में नवरात्रि के दौरान सेक्स तंत्र को लेकर बवाल मच गया है। पुणे पुलिस ने उस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिस पर सोशल मीडिया पर ये विवादित विज्ञापन शेयर करने का आरोप है। इसमें कहा गया था कि नवरात्रि स्पेशल कैंप का आयोजन होने जा रहा है। ये 3 दिन और 2 रात का सेक्स तंत्र कोर्स है, जो सत्यम शिवम सुंदरम फाउंडेशन की ओर से पुणे में आयोजित किया जाएगा। विज्ञापन के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन ने नवरात्रि त्योहार के मौके पर युवाओं की सेक्स ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था। इसमें कहा गया था कि रेसिडेंशियल कैंप के लिए 15,000 रुपये फीस होगी। 1 से 3 अक्टूबर के बीच होने वाले इस स्पेशल कैंप में अलग अलग सेक्स टेक्निक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पुणे पुलिस की सोशल यूनिट ने इस मामले पर संज्ञान लिया और विज्ञापन शेयर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी की पहचान रवि सिंह के तौर पर हुई है, जो यूपी के प्रयागराज का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक रवि सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिस पर आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। पूछताछ में रवि सिंह ने यह विज्ञापन सोशल मीडिया पर शेयर करने की बात स्वीकार कर ली है। सिंह का कहना है कि उसने सत्यम शिवम सुंदरम फाउंडेशन की ओर से इसे साझा किया, जो कि यूपी में रजिस्टर्ड है। पुलिस का कहना है कि कैंप को रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर साल विजयादशमी के मौके पर नागपुर स्थित अपने मुख्यालय में कार्यक्रम करता है, लेकिन इस बार ये खास और ऐतिहासिक रहने वाला है। इसकी वजह यह है कि संघ ने अपने इतिहास के 92 सालों में पहली बार किसी महिला को कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। 5 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अपने 100 साल पूरे करने जा रहा RSS इन दिनों महिला अधिकारों को लेकर सक्रिय है। नागपुर महानगर के संघ चालक राजेश लोया ने कहा कि संघ ने पर्वतारोही और पद्मश्री विजेता संतोष यादव को आमंत्रित किया है। इस आयोजन में मुख्य वक्ता के तौर पर सरसंघ चालक मोहन भागवत मौजूद रहेंगे। संतोष यादव को आमंत्रण देने को संघ के रवैये में बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। मौजूदा सरसंघ चालक मोहन भागवत अक्सर महिला अधिकारों की वकालत करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि महिलाएं भले ही पुरुषों के मुकाबले जैविक रूप से अलग हैं, लेकिन कार्य क्षमता और कुशलता में वे उनके समान ही है। यही नहीं, उन्होंने एक भाषण में कहा था कि महिलाओं को हम एक तरफ जगत जननी कहते हैं और दूसरी तरफ घरों में उनसे गुलामों जैसा बर्ताव किया जाता है। एक आयोजन में मोहन भागवत ने कहा था कि महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए और उन्हें समाज में सही स्थान मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने बताया कि सरकार राज्य के सभी स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए होमवर्क खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। हालांकि इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। पुणे में केसरकर ने कहा कि आइए हम बच्चों पर अधिक बोझ न डालें, उनके मस्तिष्क के विकास को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सरकार भी ये मानती है कि शिक्षकों के लिए गृह कार्य आसानी से बच निकलने का जरिया नहीं होना चाहिए। इसके बजाय एक शिक्षक को अपनी कक्षा में इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि छात्रों को होमवर्क करने की आवश्यकता ही ना पड़े। केसरकर ने कहा कि प्रस्ताव अपने शुरुआती चरण में है और वो इस तरह के आदेश के कार्यान्वयन पर अंतिम योजना तैयार करने के लिए शिक्षक संघों के साथ चर्चा की जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के इस कदम पर शिक्षक संगठनों ने सवाल उठाए हैं। शिक्षकों को ये डर भी है कि सरकार के इस नियम से सरकारी स्कूलों में होमवर्क नहीं देना अनिवार्य होगा, इससे उनके छात्र पिछड़ जाएंगे, जबकि निजी स्कूल होमवर्क जारी रखेंगे। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कहा है कि उनकी सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जो शिक्षकों और छात्रों के हित में नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक स्कूलों में होमवर्क खत्म करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुंबई के मलाड के एक स्कूल में भयानक हादसा हुआ। इस घटना में एक 26 वर्षीय टीचर की लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना ने स्कूल के स्टाफ के साथ ही छात्रों को भी झकझोर कर रख दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित टीचर की पहचान जेनिल फर्नांडिस के तौर पर हुई है। घटना के बाद उन्हें गंभीर रूप से घायल हालत में एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये घटना शुक्रवार को मलाड बेस में चिंचोली फाटक के पास स्थित सेंट मेरी इंग्लिश स्कूल में हुई। फर्नांडिस ने असिस्टेंट टीचर के तौर पर जून 2022 में ही स्कूल ज्वाइन किया था। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे स्कूल की इमारत की छठी मंजिल पर क्लास खत्म होने के बाद वो दूसरी मंजिल पर स्थित स्टाफ रूम में आ रही थी। इसके लिए उन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो टीचर अंदर जाने के लिए बढ़ी, लेकिन कैबिन का दरवाजा बंद होने से पहले ही लिफ्ट ऊपर की ओर चलने लगी, जिस वजह से टीचर उसमें फंस गई और जख्मी हो गई। स्कूल के कर्मचारी उन्हें किसी तरह लिफ्ट कैबिन से बाहर निकाला और मलाड पुलिस को खबर दी। पीड़ित टीचर को पास के लाइफलाइन अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मलाड पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। क्या लिफ्ट खराब थी या कोई लापरवाही बरती गई, ये जानने के लिए पुलिस लिफ्ट का रखरखाव करने वाली एजेंसी से पूछताछ करेगी। ठाणे जिले के डोंबिवली में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड की मदद से अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में मानपाड़ा पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड एमटेक ग्रेजुएट है। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह मोबाइल फोन, टैबलेट, आईपैड ऑनलाइन ऑर्डर करता था और डिलीवरी के समय कुछ आरोपी डिलीवरी बॉय को पैसे गिनने में व्यस्त रखते थे, जबकि अन्य लोग पैकेट खोलते थे और उसमें से मंगाए गए सामान को निकालकर उसमें दूसरी चीज रखकर उसे फिर से सील कर देते थे। बाद में आरोपी ये कहते हुए पार्सल वापस कर देते थे कि उनके पास पैसे कम पड़ गए हैं। आरोपी बाद में चोरी की गई वस्तुओं को सस्ती दरों में बेच देते थे। बताया जा रहा है कि इसी तरह आरोपियों ने दिग्गज ई कॉमर्स वेबसाइटों को हजारों का चुना लगाया। सभी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय रॉबिन एंटनी अरुजा, 26 वर्षीय किरण बंसोड़े, 22 वर्षीय रॉकी दिनेश कुमार कर्ण, 22 वर्षीय नवीन सिंह और 20 वर्षीय आलोक यादव के रूप में हुई है। मामले की जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के पास से अब तक एप्पल, सैमसंग, वीवो जैसे ब्रांडों के 22 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक आईपैड जब्त किया गया है। पुलिस इस मामले के आलोक में अन्य प्रकरणों को भी जोड़कर ऑनलाइन ठगों के गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए सबूतों को एकत्र कर रही है। पेंडिंग केस के बोझ को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला करते हुए 13,000 से अधिक मामलों को समाप्त कर दिया। तो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक बद्रीनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार और सिख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब, स्कीइंग डेस्टिनेशन ओली और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ लायस धीरे धीरे डूब रहा है। वही देश में इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जा रहा है। ये बाकी के आम हाईवे जैसा नहीं होगा, इस हाईवे पर चलते हुए ही गाड़ियां चार्ज हो जाएंगी। तो उधर भारत का 70 साल का इंतजार आज खत्म हुआ। नामीबिया से आए 8 चीतों ने भारत की सरजमी पर पहला कदम रखा। इसी बीच प्रधानमंत्री के रूप में और इससे पहले नरेंद्र मोदी ने ऐसे ढेरों काम किए हैं जिसे आप नहीं जानते। मोदी की इन्हीं खासियतों को देश भर की 22 बड़ी शख्सियतों ने एक किताब मोदी एट 20 की शक्ल दी है और भाजपा इस किताब को चुनाव में जीत के लिए हथियार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पेंडिंग केस के बोझ को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला करते हुए 13,000 से अधिक मामलों को समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 13,147 पुराने मामलों को हटा दिया। इन मामलों को दर्ज तो किया गया था, लेकिन उन्हें रजिस्टर नहीं किया गया था। रजिस्टर न्यायिक प्रथम चिराग भानु सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ये सभी मामले 8 साल से अधिक समय पहले दर्ज किए गए थे। रजिस्ट्री की ओर से गलतियों को ठीक करने के डायरेक्शन के बावजूद संबंधित वकील या याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे। ऐसे मामलों की वजह से पेंडिंग केस की संख्या यह भी नंबर जुड़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड आंकड़ों के मुताबिक 1 सितंबर 2022 तक 70,310 मामले पेंडिंग थे। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर के आदेश में कहा गया है कि मामले के पक्षकार मुकदमा आगे चलाने का इरादा नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कई साल बाद भी उन गलतियों को नहीं सुधारा जो कि बताई गई थी। रजिस्ट्रार के आदेश में कहा गया है कि पुराने नियमों के तहत संबंधित पक्षों को 28 दिनों के भीतर दोषों को ठीक करना था, जिसे 90 दिनों तक बढ़ा दिया गया था। पार्टियां इस तरह अधिसूचित दोषों को ठीक करने के लिए वर्षों तक कोई प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है। गलतियों को ठीक करने की वैधानिक अवधि समाप्त हो गई है। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता या वकील को आगे मुकदमा चलाने का इरादा नहीं है।
उत्तराखंड में 6000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बसा जोशीमठ एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। चमोली जिले के अंतर्गत आने वाला जोशीमठ भारत चीन सीमा से निकटता के कारण खास रणनीति महत्व भी रखता है। प्रकृति की गोद में बसे इस शहर को लेकर एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक बद्रीनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार और सिख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब स्कीइंग डेस्टिनेशन और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स धीरे धीरे डूब रहा है। चमोली में शहर के चारों ओर जियोलॉजिकल वैज्ञानिक और जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जांच करने के लिए गठित टीम ने कई घरों में, रिसॉर्ट्स और छोटे होटलों में इस शहर के डूबने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो जोशीमठ ओली रोड के किनारे शहर की क्षमता की परवाह किए बिना मशरूम की तरह बढ़ गए हैं। स्थिति को यहाँ के खराब जल निकासी सीवेज सिस्टम और नदियों के कटाव की स्थिति और बढ़ा दिया गया है। सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है, जोशीमठ से सड़क के साथ साथ कई स्थानों पर जमीन के धंसने के साक्ष्य देखे गए हैं। साथ ही जोशीमठ ओली मार्ग के किनारे घरों में बड़े तौर पर दरारें भी पाई गई है। विशेषज्ञ पैनल ने पाया कि नुकसान केवल फर्श या घरों की दीवारों तक ही सीमित नहीं था, यह छत तक फैला हुआ था। पैनल ने सुझाव दिया है कि अभी नालों के पास के कुछ स्थानों पर सभी निर्माण कार्यों को रोक दिया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाना चाहिए। देश में इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जा रहा है, ये बाकी के आम हाईवे जैसा नहीं होगा। इस हाईवे पर चलते हुए ही गाड़ियां चार्ज हो जाएगी। सरकार सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाने पर काम कर रही है। इस हाईवे पर लोगों की कई सुविधाएं मिलेगी। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो 30 मिनट के अंदर ही लोगों तक मदद पहुंच जाएगी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली से जयपुर ई हाईवे की। इसके दूसरे और अंतिम फेज की ट्रायल रन की शुरुआत हो गई है। इस 278 किलोमीटर के हाईवे पर इलेक्ट्रिक बस और कारों को महीने भर के लिए लगे चार्जर और तकनीक के साथ ट्रायल किया जाएगा। दिल्ली से आगरा के पिछले 210 किलोमीटर के तकनीकी ट्रायल के बाद इस 278 किलोमीटर की इस कमर्शियल ट्रायल से देश के पहले 500 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 500 किलोमीटर के देश पहले इलेक्ट्रॉनिक हाईवे का 210 किलोमीटर का पहला चरण दिल्ली से आगरा तक साल 2020-2021 में पूरा किया गया था। इसके ट्रायल रन की शुरुआत दिल्ली के इंडिया गेट से हुई थी। 500 किलोमीटर का यह इलेक्ट्रॉनिक हाईवे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से गुजरेगा। इस हाईवे पर 20 चार्जिंग स्टेशन और 10 इंफ्रा डिपो बनाए जा रहे हैं। इस ट्रायल में जहां इनके लिए प्रस्तावित जगहों पर सहमति के लिए वाहनों की रेंज और तकनीकी आंकड़ों का इस्तेमाल होगा। बता दें कि भारत के इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना 2016 में शुरू हुई थी। तब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि जल्द ही भारत में भी स्वीडन की तरह इलेक्ट्रॉनिक हाईवे होंगे। भारत का 70 साल का इंतजार आज खत्म हुआ। नामीबिया से आए 8 चीतों ने भारत की सरजमी पर पहला कदम रखा। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। उन्होंने चीता मित्रों से कहा कि कूनो में चीता जब फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, यहाँ विकास की संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम ने लोगों से अपील की कि अभी धैर्य रखें, चीता को देखने नहीं आए, ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान हैं। कूनो को ये अपना घर बना पाए इसके लिए सहयोग देना है। कूनो में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला, चीते बाहर आते ही अनजान जंगल और अपने नए घर में सक पकाए, सहमते कदमों के साथ इधर उधर नजरें घुमाई और चहल कदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। चीतों को बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। मोदी ने कुछ फोटो भी क्लिक किए। 500 मीटर चलकर मोदी मंच पर पहुंचे थे। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1947 में जब देश में केवल 3 चीते बचे थे तो उनका भी शिकार कर लिया गया। यह दुर्भाग्य रहा कि 1952 में हमने चीतों को विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक सार्थक प्रयास नहीं किए। प्रधानमंत्री के रूप में और इससे पहले नरेंद्र मोदी ने ऐसे ढेरों काम किए हैं जिसे आप नहीं जानते। मोदी की इन्हीं खासियतों को देश भर की 22 बड़ी शख्सियतों ने एक किताब मोदी @20 की शक्ल दी है और भाजपा इस किताब को चुनाव में जीत के लिए हथियार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। मोदी के 20 सालों के कामों पर केंद्रित यह किताब बाजार में भी आ गई है। मोदी @20 सपने हुए साकार नाम की इस किताब ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारत की प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु सहित देश के 22 बड़े लोगों ने मोदी की नेतृत्व क्षमता बताने के साथ साथ उनकी छवि एक रिफॉर्मर के तौर पर पेश की है।
इन सभी लोगों ने मोदी से जुड़े कई ऐसे रोचक किस्से भी लिखे हैं जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। अब भाजपा इसी किताब को लेकर बुद्धिजीवियों से बच रही है और मोदी के कामों को बड़ा चढ़ाकर प्रचार कर रही है। समाज के महत्वपूर्ण लोगों के बीच राजस्थान में अब 35 इवेंट हो चुके हैं। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी के युवाओं के बीच नवंबर तक कम से कम 20 इवेंट और किए जाएंगे। जिस तरह महात्मा गांधी को आजादी के आंदोलन की वजह से जाना जाता है, उसी तरह भाजपा इस किताब के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बनाने में जुट गई है। राजस्थान सहित अलग 2 सालों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर ये अभियान शुरू किया गया है। फिलहाल चुनावी रैलियों की रफ्तार पकड़ने से पहले भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और काम के जोर शोर से प्रचारित कर रही है। भूखे मर रहे पाकिस्तान में गजब ही खेल चल रहा है। जानकारी के अनुसार देश में एक बांध बनने में जितनी लागत आई है उसका 1.5 गुना बांध के प्रचार में लुटा दिया गया है, तो भारत को अरबों डॉलर का फायदा होने वाला है। इसी महीने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के साथ ही इस महीने भारत को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल करने का फैसला किया गया है। वही चीन ने संयुक्त राष्ट्र में अमरीका और भारत की तरफ से पेश उस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया है जिसके तहत एक आतंकी को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित करना था। तो उधर 22 वर्षीय ईरानी महिला महसा अमीनी को ईरान की नैतिकता पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद मौत हो गई है। इसी बीच जीवाश्म वैज्ञानिकों ने 380 मिलियन साल पुराने एक दिल की खोज की है। ये अब तक का सबसे पुराना दिल है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भूखे मर रहे पाकिस्तान में गजब ही खेल चल रहा है। जानकारी के अनुसार देश में एक बांध बनने में जितनी लागत आई है उसका 1.5 गुना बांध के प्रचार में ही लुटा दिया गया है। पाकिस्तान पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। खबर है कि पाकिस्तान ने सिंधु नदी पर एक मेगा बांध बनाने के लिए 40 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 319 करोड़ रुपए चंदा कर इकट्ठा किया गया था और उसने विज्ञापन पर ही 63 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 503 करोड़ खर्च कर दिए हैं। इस बांध को 80 के दशक में ही बन जाना था लेकिन 4 दशक से अधिक बीत जाने के बाद भी ये कहीं से भी पूरा बनकर तैयार नहीं हो पाया है। पहले पर्यावरणीय दुष्प्रभाव और बढ़ती लागत जैसे कई कारणों ने इसके निर्माण में बाधाएं खड़ी की। मूल रूप से ये 1980 में प्रस्तावित हुआ था। उस दौरान सिंधु नदी पर अगर ये बांध बन जाता तो पाकिस्तान को 4,500 मेगावाट की बिजली मिल पाती। अब ये बांध भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की सरकार ने हरी झंडी दिखाई थी। इसी बीच विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने डैम के विवादित जगह यानी कि कश्मीर में होने के कारण फाइनेंस करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जुलाई 2018 में साकिब निसार ने पाकिस्तान का मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद सार्वजनिक कोष की मदद से बांध बनाने का फैसला किया था। 4 साल बीत जाने के बाद भी डैम अभी तक पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है लेकिन इसके विज्ञापन में इसके 1.5 गुना से ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है। इसी महीने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के साथ ही इस महीने भारत को एक और बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है और भारत को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल करने का फैसला किया गया है जिसकी वजह से भारत को अरबों डॉलर का फायदा होने वाला है। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में रूस को बाहर निकालकर भारत को शामिल किया गया है और एक अनुमान के मुताबिक इससे भारत को बहुत जल्द 30 अरब डॉलर का फायदा हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में पहली बार भारत की एंट्री हुई है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के खिलाफ इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि उसके लिए पश्चिमी देशों से कोई सामान खरीदना और बेचना लगभग नामुमकिन हो चुका है। ऐसे में उसे ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये पुतिन के लिए अभी तक का सबसे बड़ा झटका है। सूत्रों के अनुसार जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट में भारत को शामिल किया जाएगा और इसका फैसला ले लिया गया है जिसके बाद भारत के कैपिटल मार्केट को जबरदस्त फायदा होने वाला है। इस महीने जब इसके ऑपरेटर्स इंडेक्स की संरचना की समीक्षा बैठक होगी तो भारत के नाम की घोषणा की जाएगी। वहीं मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि अगर इस साल ये घोषणा कर दी जाती है तो भारत को साल 2023 तक 10% वेटेज के साथ सूचकांक में शामिल किया जाएगा। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और भारत की तरफ से पेश किए गए उस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया है जिसके तहत एक आतंकी को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित करना था। ये प्रस्ताव लश्कर ए तैयबा के साजिद मीर से जुड़ा था और ये भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। मीर ही वो शख्स है जो 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों में कसाब और बाकी आतंकियों को निर्देश दे रहा था। मीर ही मुंबई में दाखिल हुए आतंकियों का हैंडलर था।
इस प्रस्ताव में मीर को सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाना था। इसके बाद उसकी संपत्ति जब्त हो जाती, उस पर यात्रा प्रतिबंध लगता और उसे हथियार मिलना बंद हो जाते। मीर को भारत ने मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया है और उस पर $5 अरब का इनाम रखा है। इसी वर्ष जून में पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने उसे 15 साल की सजा सुनाई थी। देखा जाए तो चीन लगातार ब्लैकलिस्ट होने के लिए पाक आतंकियों के रास्ते में बाधा बनता आया है। जून में चीन ने आखिरी मौके पर एक और पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को आतंकी घोषित करने वाले प्रस्ताव में भी बाधा डाली थी। चीन मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी वाले प्रस्ताव में भी बाधा बना था। मसूद साल 2016 में हुए पठानकोट आतंकी हमले के बाद से ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद उसे वैश्विक आतंकी घोषित किया जा सका था। 22 वर्षीय ईरानी महिला महसा अमीनी को ईरान की नैतिकता पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद मौत हो गई है। हिजाब को उचित ढंग से न पहनने को लेकर महसा अमीनी को ईरान की नैतिकता पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। सोशल मीडिया पर अब इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया है। खबरों के अनुसार ईरानी महिला महसा अमीनी अपने परिवार के साथ तेहरान की यात्रा पर थी, जब उसे विशेषज्ञ पुलिस इकाई ने हिजाब न पहनने को लेकर हिरासत में लिया था। थोड़ी देर बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें आपातकालीन सेवाओं के सहयोग से तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, जहां वो कोमा में चली गई थी और शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस ने महसा अमीनी को हिरासत में लेकर उसे एक पुलिस वाहन के अंदर ले जाने के लिए मजबूर किया था। महसा अमीनी के भाई कियाराश ने हस्तक्षेप किया था, लेकिन पुलिस ने उसे बताया कि वे उसकी बहन को हिजाब पर पुनः शिक्षा के लिए 1 घंटे के लिए पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। परिवार का कहना है कि महसा अमीनी की पहले कोई दिल की बीमारी की हिस्ट्री नहीं रही है, उसकी हृदय स्थितियां बिल्कुल सामान्य थी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि 22 वर्षीय युवती महसा अमीनी की हिरासत में संदिग्ध मौत के कारण जिन परिस्थितियों में हिरासत में यातना और अन्य दुर्व्यवहार के आरोप शामिल हैं, उनकी आपराधिक जांच होनी चाहिए। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने 380 मिलियन साल पुराने एक दिल की खोज की है। ये अब तक का सबसे पुराना दिल है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्थित कर्टिन विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स की एक टीम ने गोगो फॉर्मेशन में किम्बरले में प्राचीन जीवाश्म पाया। प्रमुख रिसर्चर्स प्रोफेसर कैटरीना जस्टिक ने कहा कि मैंने जीवाश्म विज्ञानी के रूप में 20 से अधिक वर्षों से जीवाश्मों का अध्ययन किया है। मैं वास्तव में 380 मिलियन वर्ष पुरानी इस मछली में एक 3D और खूबसूरती से संरक्षित दिल को पाकर वास्तव में अचंभित हूँ। शोध में पाया गया कि ऑर्थोडायस के शरीर में अंगों की स्थिति बिल्कुल बख्तरबंद मछलियों का एक वर्ग है, जो अचानक विलुप्त होने से पहले डेवोनियन काल में लगभग 50 मिलियन वर्षों तक फला फूला। इसकी रचना शार्क के शरीर जैसी है और ये विकासवादी जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। उन्होंने इसे इस तरह समझाया, प्राचीन जीवाश्मों से पता चलता है कि जबड़े रहित और जबड़े वाले कशेरुकियों के बीच एक बड़ी छलांग थी। इन मछलियों का मुंह सचमुच में बिल्कुल वर्तमान समय की शार्क की तरह उनके गलफड़ों के नीचे होता है। शोधकर्ताओं ने पेट, आंत और यकृत सहित चुना पत्थर की चट्टान में कन्वर्ट हो चुके नमूनों के एक्सरे स्कैन के माध्यम से नरम ऊतकों की 3D फोटोज बनाने में भी सफलता हासिल की। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वीकेबी न्यूज़ के आज के इस खास पेशकश में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।